दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्मोस्टेट मतलब ताप अस्थाई क्या होता है। तो थर्मोस्टेट का हिंदी होता है ताप अस्थाई, नाम में ही जाहिर है ताप अस्थाई मतलब ताप को जो अस्थाई बनाकर रखे, स्थिर बनाकर रखे। तो ऐसा यंत्र जो ताप को स्थिर या नियंत्रित करके रखता है उसी यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट। इसका बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल है इसका थर्मस बोतल, या इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मस फ्लास्क। तो थर्मस भी क्या करता है, यह ताप को नियंत्रित करता है। मतलब अगर आप थर्मस में ठंडा पानी रखिएगा तो वह थर्मस क्या करेगा, उस पानी को ठंडा ही रखेगा कुछ देर तक, जैसे 12 से 24 घंटा तक। अगर आप उसमें गर्म पानी रखते हैं तो कुछ देर तक उसको गर्म ही रखेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग घर में भी करते हैं, ठंडे के दिनों में भी करते हैं और गर्मी के दिनों में भी करते हैं। तो ठंडा के दिनों में घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म रखने के लिए, और गर्मी के दिनों में हम लोग करते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल हम लोग ठंडा में भी करते हैं और गर्मी में भी करते हैं, ये घर में इस्तेमाल होता है। तो ये तो बात समझ गए इसका काम क्या है। दूसरा ध्यान रखना है इसमें पानी ठंडा और गर्म क्यों रहता है। तो देखिए इसमें दो परत होता है, दो लेयर होता है, एक बाहरी लेयर और एक अंदर का लेयर। दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम होता है, मतलब उस पर कुछ रहता ही नहीं, हवा हवा कुछ रहता ही नहीं। अब दो लेयर के बीच में तो कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं, इस कारण क्या होता है, ऊष्मा का ना संवहन हो पाता है और ना ही ऊष्मा का विकिरण हो पाता है। संवहन मतलब हवा से हवा जा रहा है ऊष्मा, तो संवहन बोलेंगे। विकिरण मतलब यहीं पे पदार्थ है और यहाँ से ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो बीच में कोई कॉन्टेक्ट है ही नहीं, कोई वायु है ही नहीं, तो संवहन और विकिरण की प्रक्रिया रुक जाएगा। इससे क्या होगा, ऊष्मा न बाहर जाएगा न बाहर से ऊष्मा अंदर आएगा। ठीक है, तो ऊष्मा न बाहर जाएगा न अंदर आएगा, इसका मतलब ऊष्मा का न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। उसके बाद ध्यान रखेंगे जी, इसका जो दीवार होता है अंदर वाला, उसको आप खोल के देखिएगा तो उस पर जिंक का मतलब रजत या जस्ता का परत होता है। ठीक है, और अंदर वाला जो लेयर होगा स्टील का लेयर रहता है या कांच का लेयर रहता है, उसके ऊपर परत किसका रहता है, रजत या जस्ता का। तो ये जो भी आपको ये पॉइंट बताए सब पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, इसीलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। थर्मोस्टेट का काम क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद फ्लास्क में तीन क्वेश्चन पूछता है, जे ये ठंडा गर्म कैसे रखता है, कौन प्रक्रिया को रोकता है, तो संवहन व विकिरण को रोकता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो परत होता है अंदर वाला दीवार जो होता है उस पर किसका लेप लगाया जाता है, किसका परत लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों थर्मोस्टेट क्या होता है ये चीज ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है थर्मस उसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए इस पे आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग पीसीएस में, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। ऑप्शन है तापमान को नापना, ऑप्शन है ए ऑप्शन है तापमान को मापना, बी ऑप्शन है तापमान को बढ़ाना, सी ऑप्शन है तापमान को स्थिर रखना, डी ऑप्शन है ताप को विद्युत में बदलना। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तापमान को स्थिर रखना। तो जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पे सारा प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट संबंधित है। ऑप्शन है ए ऑप्शन आर्द्रता से, बी ऑप्शन तापक्रम से, सी ऑप्शन हवा से, डी ऑप्शन बादल से। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तापक्रम से। अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ऑप्शन है ए ऊष्मा मापता है, बी ऑप्शन तापक्रम मापता है, सी ऑप्शन किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है, डी ऑप्शन किसी निकाय का दाब स्व नियंत्रित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है ताप अस्थाई डैश 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 स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ऑप्शन है ए ऑप्शन करेंट ब्रैकेट विद्युत प्रभाव, बी टेम्परेचर ब्रैकेट ताप, सी प्रेशर ब्रैकेट दबाव, डी ऑप्शन है हीट रेडिएशन ब्रैकेट ऊष्मा विकिरण। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टेम्परेचर मतलब ताप।
अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है ए तापमान को कम करना, बी हिमायन ताप को बढ़ाना, सी एक समान तापमान को बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है एल्युमिनियम पेंट, बी ऑप्शन है लेड चून, सी ऑप्शन है रजत परत, डी ऑप्शन है पारे की परत। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रजत का परत। अगला ऑप्शन है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन है ए संचालन, बी ऑप्शन है संवहन एवं विकिरण, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, संचालन संवहन एवं विकिरण, ये रुक जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।